hello my dear children this is shika aurora and today we are going to start with class 8 science chapter number 3 that is coal and petroleum so let's get started the main aim of this chapter will be our resources fossil fuels exhaustible resource coal petroleum natural gas petrochemicals conservation of exhaustible resources children have a look on the warm-up

सनलाइट है विंड एनर्जी है तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ऐसे ही टू मैन मेड रिसोर्सेज आप सोच के लिखेंगे यहां पे वी यूटिलाइज अ वराइटी ऑफ मटीरियल टू मीट आवर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स सम ऑफ दीज अकर नेचुरली वाइल मेनी आर क्रिएटेड बाय ह्यूम वी ब्रीद एयर एंड वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वेरियस एक्टिविटीज बोथ ऑफ तो विच आर नेचुरल रिसोर्सेज तो आप जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपना अपनी लाइफ जीते हैं वैसे ही हम एयर ब्रीद करते हैं हम वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए तो ये चीज़ें क्या हैं ये अनलिमिटेड है ये कैसी हैं हमें नेचर से मिल रही हैं तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे कि पेपर है क्लॉथ है फर्नीचर है कॉस्मेटिक्स है ये सब हमने खुद बनाए हैं सो दे आर मैन मेड रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चिल्ड्रन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स वन इज कॉल्ड एज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एज द नेम इंडिकेट इन एग्जॉस्टेबल इन एग्जॉस्टेबल का क्या मतलब है जो कभी खत्म नहीं होगा लाइक सनलाइट सन की जो एनर्जी है सन की एनर्जी हमें हमेशा मिलती रहती है सो so, ये कैसी एनर्जी है ये इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है तो ऐसी एनर्जीज जो हमें हर वक्त मिलेंगी उन्हें हम बोलते हैं इन इनएक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ये लिमिटलेस होती हैं जितनी मर्जी हम चाहे यूज कर ले उसके बाद हमें वापस से मिल जाती हैं दीज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूली रिन्यूड बाय द नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड दीज आर कंसिडर्ड लिमिटलेस एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर इन इनएक्सॉस्टिबल तो रिसोर्सेज हमारी दो टाइप की हैं एक है हमारी नेचुरल रिसोर्स एक है मैन मेड रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर दो टाइप्स की रिसोर्सेज आ जाएंगी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड इनएस्टेबल नेचुरल रिसोर्स रिसोर्स तो इनएजॉस्टेबल के अंदर हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में वाटर एंड एयर के बारे में और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो होते हैं हमारे फॉसल फ्यूल्स मिनरल्स एंड फॉरेस्ट और यहां पे मैन मेड कौन सी रिसोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी एलपीजी सी एनजी दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिसो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स चिल्ड्रन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिट में प्रेजेंट है प्रोवाइड तो ये नेचर नहीं ही करी है नेचर में ही प्रेजेंट है लेकिन अगर हम इसको जुडिशियसली यूज ना करें इसको केयरफुली यूज ना करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी और उसके बाद वापस से इनको रीप्लानिश होने में बहुत बहुत साल लग जाएंगे मिलियंस ऑफ इयर इट विल टेक टू गेट देम रिप्लानिश तो ऐसी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑल द फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम ये सब क्या है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अ फिक्सड और लिमिटेड अमाउंट

फॉसल क्या होते हैं फॉसल्स होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट मे हैव गॉड बीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो और जिसकी वजह से अर्थ का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं दैट इज वाई दीज नेम्ड एज फॉसल फ्यूल्स

तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन होती है ऑक्सीजन अ लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद सल्फर भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है इट इज़ ऑब्टेंड बाय डिकिंग डीप इंटू द अर्थ सर्फेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंटली यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल पहले हम लोग इसे डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया करते थे बट क्योंकि ये पोल्यूशन के लेवल को इंक्रीज करता है इसीलिए अब हमने ऑल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो ढूंढे हैं ताकि हम कोल को वैसे भी प्रिजर्व कर सके क्योंकि ये फॉसल फ्यूल जो है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सिस की कैटेगरी में आते हैं एंड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर एंड इंडस्ट्रीज दे आर फोर टाइप ऑफ कोल डिपेंडिंग ऑन देअ कार्बन कंटेंट तो सबसे पहला आता है एंथ्रासाइट जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है जिसके अंदर 95 परसेंट कार्बन प्रेजेंट होता है देन यू हैव हैविटोमस जिसके अंदर सेवेंटी टू एट्टी परसेंट कार्बन होता है यू हैव लिग्नाइट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है एंड पीट जिसमेंट होता है अर्थ चिल्ड्रेन यू ऑलरेडी नो के कोल क्या है इट इज अ टाइप ऑफ फॉसल फ्यूल तो फॉसल्स की वजह से ये फ्यूल जो है वो बनता है तो फॉसल्स किसके होते हैं दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट मे है अर्थ फिर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर वो बरी हो जाते हैं एंड देन उसके ऊपर और मटेरियल गिरता रहता है तो जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है उसके ऊपर इन्हीं मटेरियल के ऊपर हाई प्रेशर जो है वो एक्ट करता है जिसकी वजह से दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू कोल coal is naturally occurring fossilized plant matter consisting mainly of wood chemically it is composed of carbon hydrogen oxygen nitrogen and sulfur in it combined small amount of it in different ratios millions of years ago earth in many places was covered with dense forests bohasari forest covered the to kya hua? due to earthquake tsunami or anything activities like this सो ये क्या होता है ये फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है इनके ऊपर और मटेरियल जो है वो सेडिमेंटली डिपॉजिट होता जाता है इंक्लूडिंग डेड वुड एंड वेजिटेबल मैटर अलोंग विद वाटर बॉडीज दिस मटीरियल गॉट वेरी डीप अंडर द लेअर ऑफ सॉइल ड्यू टू डिस्टर्बेंसेज लाइक फ्लड्स अर्थक्वेक्स वालकैनिक इराप्शंस एक्सेट्रा इन द एबसेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डीप अंडर द सॉयल द वेजिटेशन मैटर स्लोली कन्वर्टेड टू कोल तो इसी की वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर उसके ऊपर एक्ट करता है एज वेल एज हाई टेम्परेचर ऑफ़ दी अर्थ उस पर एक्ट करता है जिसकी वजह से दीज वेजिटेबल मैटर और दिनिमल बॉडीज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द कोल द प्रोसेस माई टेक हैव टेक मोर दैन थ्री हंड्रेड मिलियन ईयर्स तो आप देख सकते हो कि खाली कोल को ही बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल अंडर द अर्थ इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन तो इसी प्रोसेस को जिससे कि कोल्ड फॉर्म होता है इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं एंड द कोल फॉर्म इज कॉल्ड द फॉसल फ्यूल द डिपॉजिट ऑफ कोल आर कॉल्ड द कोल्ड माइन्स तो जहाँ पर हमें कोल मिलता है वहाँ पर हम उस जगह को बोलते हैं कोल्ड माइन्स सो आप देख सकते हो पहले क्या हुआ ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू अराउंड थ्री हंड्रेड मिलियंसर्स अगो कवरिंग मोस्ट ऑफ अर्थ देन वेजिटेशन डाइज एंड पीट इज बिटवीन सेडिमेंट लेयर्स टू फॉर्म लिग्नाइट लिग्नाइट का फर्दर कंप्रेशन होता है इट ट्रांसफॉर्म्स टू विटामिनस एंड सब विटामिनस कोल एंड इवेंचुअली एंथ्रसाइड इज फॉर्मड सो दीज आर द स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल फॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोड तो अब कोल से जब हम और भी डिफरेंट टाइप के मटीरियल्स विच आर यूजफुल टू अस आर डिराइव जब हम उसमें से वो चीज़ों को निकाल पाते हैं दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल्ड वेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन एबसेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूसेज वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इऑर्गैनिक प्रोडक्ट्स तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो है कोक तो कोक क्या होता है कोक एक सॉलिड रेजिड्यू होता है जो कि लेफ्ट बिहाइंड रहता है आफ्टर द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कोल जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कोल का तो उसके बाद जो रेजिड्यू रह जाता है उसे हम बोलते हैं कोक तो ये कैसा होता है ये टफ होता है पोरस होता है ब्लैक होता है और इसमें 98 परसेंट तक कार्बन होता है सो इट इज मोस्टली अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील and extract many metal from their ores. When steam is passed over red hot coke, तो अगर आप coke के ऊपर coke क्या है 98% carbon है So children जब भी हम organic compound को heat करते हैं oxygen की presence में तो हमारी carbon dioxide gas निकलती है लेकिन अगर हम उसको insufficient amount of oxygen के साथ heat up करते हैं तो हमारी carbon monoxide gas निकलती है वॉटर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो आपने क्या किया आपने कोक लिया और उसके ऊपर से आपने स्टीम को पास कर दिया सो इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीओ प्लस एच टू विच इज टूगेदर कॉल्ड एज वॉटर गैस और जब हमने इस पर एयर को पास किया मतलब हमने इसमें सफिशेंट अमाउंट के एयर को पास किया विच इज हैोजन ऑल्सो इन इट तो ये क्या बनाता है इट फॉर्म्स प्रोड्यूसर गैस तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन तो ये दोनों मिलके हमारी बनाती है प्रोड्यूसर गैस देन द सेकेंड प्रोडक्ट विच वी ऑबटेन इज कोल्टार कोल्टार क्या होता है ये डेंस डार्क लिक्विड होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही पंजेंट ओडर आती है मतलब एक अनप्लेजेंट सी अच्छी सी नहीं होती ऐसी इसमें से एक स्मेल निकलती है कोल टार कम्प्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड सब्सटेंसेज इसके अंदर से भी हम एटलीस्ट टू हंड्रेड सब्सटेंसेज जो हैं वो अलग कर सकते हैं इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज पेंट्स ड्रग्स परफ्यूम्स एक्सप्लोसिवस एंड मैनी मोर। वाइल पिच डिराइव फ्रॉम कोल्ड टार वज ट्रेडिशनली इम्प्लॉयड इन रोड कंस्ट्रक्शन तो पहले जो हमें कोल्ड टार से जो पिच मिलती थी उससे हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते थे लेकिन अब क्या है कि अब इट हैज बीन रिप्लेस बाय बिट्यूमिन विच इज ऑबटेन फ्रॉम द पेट्रोलियम पेट्रोलियम से जो हमें विट्यूमिन मिलता है उससे हम रोड्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं मॉडर्न प्रैक्टिस नाउ प्रिफर बिट्यूमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर रोड मेकिंग पर्पज सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हो रहा है तो हमने यहाँ पे पाउडर कोल लिया है और उसको हमने हीट किया है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ से हमें कोल गैस मिलती है नीचे रेजिड्यू में हमें मिल जाता है टार द नेक्स्ट इज कोल गैस द गैस जनरेटेड ड्यूरिंग कोल प्रोसेस इज अ ब्लेंड ऑफ मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और इसे ही हम कॉमनली बोलते हैं क्या कोल गैस तो कोल गैस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है मीथेन है कार्बन मोनोक्साइड है एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इट

and synthetic natural gas coal is also used in paper chemical and pharmaceutical industries it is used in the manufacture of fuel gas like coal gas water gas producer gas etc now track your progress have a look on it children first question is name the following the resource दैट आर कंटिन्यूली रिन्यूड बाय नेचर तो इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इनएक्सॉस्टिबल नेचुर रिसोर्स

Now, children, we have to study about the petroleum. So, the petroleum is derived from a Latin word meaning petra. Petra का मतलब होता है rock और oleum oleum का मतलब होता है oil. तो ऐसा oil जो हमें rock से extract किया जाता है उसे हम बोलते हैं petroleum. So, ये भी किससे बना होता है It is also formed from the dead remains of plants and animals that may have buried under the sea. इट इज फाउंड डीप इन साइड द अर्थ बिटवीन लेयर ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स इट इज मिक्स विद सॉल्ट एंड वाटर एंड फ्लोट्स ओवर वॉटर सीप्स थ्रू पोरस रॉक्स अ लेयर ऑफ नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम तो चिल्ड्रेन जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो गैस रिलीज होती है वो होती है नेचुरल गैस एंड इट्स प्रेशर होल्ड द लेयर ऑफ पेट्रोलियम बिलो इट्स पोजिशन सिंस पेट्रोलियम एंड तो आप यहां पे देख सकते हो कि पेट्रोल कैसे यहां से पहले सबसे पहले नेचुरल गैस निकलेगी और उसके बाद ही हम पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं नेचुरल गैस आर बोथ लाइटर देव दे इट पेट्रोलियम कैसा होता है ये डार्क होता है विस्कस होता है और एक बहुत ही ऑयली लिक्विड होता है इसे हम एस सच यूज नहीं कर सकते इसीलिए इसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट ऑर्डर इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर एनी सो इट इज नोन एज क्रूड ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स वर्सिटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इम्पॉर्टेंट टू इकोनमी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड लेकिन हम इससे इतने सारे प्रोडक्ट्स डिराइव कर सकते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन इसीलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं द केमिकल कंपाउंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स डिटर्जेंट्स यहां तक कि जो आप पेट्रोलियम जेली यूज करते हो वैसुलन यूज करते हो वो भी हम इसी से डिराइव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम तो इट इज बिलीव दैट पेट्रोलियम इज डिकेड रिमेन्स ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट वर फाउंड इन शेलो सीज मिलियंस ऑफ इयर्स अगो तो यही बात हुई कि भाई वो एनिमल्स का या प्लांट्स की डेथ हो गई वो बॉटम में जाके फिक्स हो गए या और कोई ऐसी एक्टिविटी हुई लाइक वल इरप्शन फ्लड्स जिसकी वजह से बहुत सारी फॉरेस्ट वगैरह जो हैं ये सब सी के अंदर एम्बेड हो गई उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर और सेडिमेंट डिपॉजिट होता गया जिसकी वजह से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स तो अब क्या हुआ कि वही बात है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ने एक्ट किया एंड दैट ट्रांसफॉर्म डीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू एन ऑयल जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम और ये कहाँ कहाँ पे स्टोर हो गया बिटवीन द सेडिमेंटरी रॉक्स दीज डेड ऑर्गेनिजम्स लेयर ऑफ क्ले एंड सेल्स ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स ओवर टाइम ट्रैप्ड अंडर दीज लेस एनवाइ द रिमेन्स डिकम्पोस्ड इंटू सिंपल हाइड्रोकार्बन फॉर्मिंग पेट्रोल थ्रू द एक्शन ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया इन द एबसेंस ऑफ एयर

इंटू पूल ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इम्पर्वियस रॉक्स तो अब अगर हमें पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना होता है हमें होल्स को डिग करना होता है तो ड्रिलिंग होल्स हम यूज़ करते हैं और कहाँ पर ऑयल वेल्स में इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाई ड्रिलिंग होल्स नोन एज ऑयल वेल्स इन टू दर्थ क्रस्ट वेन अ वेल इज ड्रिल्ड सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले नेचुरल गैस ही एस्केप होगी इज द फर्स्ट सबस्टेंस टू इमर्ज एंड एंड इट डज सो विद सिग्निफिकेंट प्रेशर तो जब तक नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाती पूरी की पूरी नेचुरल गैस बाहर नहीं आ जाती तब तक हम पेट्रोलियम की ड्रिलिंग नहीं कर सकते आफ्टर सम टाइम ऑयल बिगिनस टू फ्लो साइमटेनियस स्पॉन्टेनियसली प्रोपेल्ड बाय द प्रेषर एक्सर्टेड बाय द गैस Once the initial pressure diminishes, the oil is pumped out from the well and transported to refining units for further processing. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक oil well का इन्होंने diagram show किया हुआ है, जिसके अंदर से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले natural gas escape होती है, उसके बाद ही हम petroleum का drilling जो है वो कर सकते हैं। the largest petroleum reserves are found in middle east including countries like saudi arabia kuwait iran and iraq the usa is the larger producer of petroleum in the world accounting for nearly 50 percent of total output in india petroleum is found in assam gujarat mumbai high and deltas of krishna and godavari rivers तो अब क्या है भाई पेट्रोलियम तो हमें मिल गया लेकिन ये क्या है ये क्रूड ऑयल है इसको हम एज सच यूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये बहुत ऑयली है विस्कस है अनप्लेजेंट ऑर्डर है तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम अलग अलग करते हैं बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सो वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर दी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग petroleum in its natural form is of no use as it is very thick and waxy material it must be first separated into its useful constituents the process of separating crude oil into usable component is known as refining of petroleum and the various component obtained are called its fraction the process of refining petroleum is carried out in refineries and it is called as फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन वी कैन सेपरेट द द ऑन बेसिस ऑफ दे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेपर्स विल राइज अप दे कैन पास थ्रू द ट्यूब और उस ट्यूब के अंदर हम क्या लगाते हैं हम कंडेंसर लगाते हैं तो वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं एंड दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू लिक्विड तो यही प्रोसेस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का जिस जिसका भी मेल्टिंग uh, पॉइंट पहले या बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच करता है वो वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो जैसे ही वेपर्स राइज करते हैं उनको हम ठंडा कर लेते हैं और उनसे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो है वो सेपरेट इजीली कर पाते हैं

द डिफरेंट कॉम्पोनेट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जितने भी इसके अंदर कॉम्पोनेट्स या सबस्टेंसेज प्रेजेंट हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होगा इसी बेसिस पे हम इसको सेपरेट कर पाते हैं क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इन टू गैस और वेपर्स एज द गैस राइज इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इट बिगिनस टू इट्स लिक्विड फॉर्म तो जिसका वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच हुआ वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया वेपर्स जब ऊपर की साइड में जाएंगे तो वहां पर वो ठंडे हो जाएंगे और इजिली वो सेपरेट आउट कर लिए जाएंगे वेन सबस्टेंस इन गैशेज टेट कूल्स बिलो इट्स बॉयिंग पॉइंट इट कंड लिक्विड सिंस डिफरेंट कॉम्पोनेट हैव डिफरेंट बॉयलिंग पॉइंट्स देडेंस एट डिफरेंट हाइट्स एंड आर कलेक्टेड इन सेपरेट ट्रेज दस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेटर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देअ डिफरेंट बॉयलिंग पॉइंट्स लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विफाइ एट हायर टेम्परेचर तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जिस जिसका भी टेम्परेचर आता जाता है, boiling point reach होता जाता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है और फिर वो इंटरेज में कंडेंस आउट कर लिया जाता है द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विफाइज एट लोअर टेम्परेचर टूवर्ड्स दाउ नेल गैस तो नेचुरल गैस क्या है ये एक गैशियस फॉसल फ्यूल है विच इज़ फाउंड अब द लेअर ऑफ पेट्रोलियम डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट तो चिल्ड्रेन हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम पेट्रोलियम की ड्रिलिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो गैस निकलती है वो है नेचुरल गैस सो इट इज़ अ गैशियस फॉसल फ्यूल जो सबसे पहले निकलती है एंड इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल आप अपने घर में क्या यूज़ करते हो एल पी जी यूज़ करते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नैचुरल गैस देन वी ऑल्सो यूज इन अवर वेहीकल सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस वो भी नेचुरल गैस का ही एक फॉर्म है तो नेचुरल गैस का जो मेन इंग्रीडियंट है वो क्या है वो है मीथेन इट कैन इजिल भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप मेकिंग इट कन्वीनियंट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल सो चिल्ड्रेन हैव अ लुक ऑन द ट्रैक योर प्रोग्रेस नेम द फॉलोइंग डैश इज यूज एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स तो हम इसमें क्या यूज करते हैं हम ऑयल को यूज करते हैं डैश इन मेटलिंग द रोड्स तो इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन रशिया नहीं ये सबसे पहले ड्रिल किया गया था पेनिसल्वेनिया में सो फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम गैस के बारे में तो पेट्रोलियम गैस कैन बी यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल जिसके अंदर हम नाम लेंगे एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देन वी हैव पेट्रोल पेट्रोल तो यू ऑल नो कि हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं सबको रन करने के लिए क्या चाहिए होता है पेट्रोल इट इज ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग तो जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना हम कपड़ों की उसमें भी हम पेट्रोल का ही यूज करते हैं देन वी हैव केरोसिन जिसको हम डोमेस्टिक फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं एंड इवन आज भी गांव में विलेजेस में केरोसिन इज़ यूज्ड इन स्टोव्स देन यू हैव डीजल डीजल इज़ यूज्ड फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स तो हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं वाटर पंप्स में यूज़ किया जाता है एंड इवन जनरेटर्स में भी हम डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं देन यू हैव लुब्रिकेटिंग ऑयल तो यही वो ऑयल है जिससे हम अपनी मशीन्स को लुब्रिकेट करते हैं दे हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द मशीन पार्ट्स सो पैरफिन वैक्स कैन बी यूज इन कैंडल्स शू पॉलिश एंड वैसलिन देन यू हैव विटोमिन बिटमिन दो हम जो आजकल रोड की जो मेटलिंग करते हैं उसके अंदर हम विटोमिन को यूज करते हैं इवन बिटोमिन इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट सो हम नेचुरल गैस की बात कर रहे थे तो नेचुरल गैस कैसी होती है ये एक नॉन पल्यूटिंग फ्यूल है क्योंकि ये पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती जब ये बर्न करती है आप जब अपने घर में गैस जलाते हो तो क्या उसमें रेजिड्यू बचता है नहीं बचता दैट मीनस जो फ्यूल आप घर में यूज कर रहे हो वो कैसा फ्यूल है वो एक क्लीन फ्यूल है तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस अपॉन हीटिंग इट डिकम्पोज इंटू कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन फाउंडेन कहा मिलती है हमें त्रिपुरा में मिलती है राजस्थान में महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा यूजेस ऑफ नेचुरल गैस चिल्ड्रन नेचुरल गैस इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस जैसे कि इट इज यूज इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड बॉइल वाटर, क्रिएटिंग स्टीम विच इज देन यूज टू रन जेनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरल गैस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डायरेक्टली पाइप्ड इन टू होम्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेज तो आपने जैसे देखा होगा कि आजकल पाइपलाइंस के थ्रू हमें एल पी जी सप्लाई होती है सो दे कैन ईजीली बी डायरेक्टली ये हमारे घर में पहुँच जाती है थ्रू द पाइप एंड वी कैन यूज इट नाउ चिल्ड्रेन हैव अ लुक ऑन दिकीपीडिया द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनसिल्वेनिया यू एस ए अंटार्क्टिका इज नोन टू हैव अ वास्ट डिपॉजिट ऑफ लेकिन वहाँ पर हैं इसीलिए हम वहाँ पे ड्रिलिंग ऑफ ऑयल नहीं कर सकते हैं सो नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेस गैस इज ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल चिल्ड्रन यू ऑल नो कि जो पेट्रोल होता है पेट्रोल इज अ अल फ्यूल तो फॉसल फ्यूल लिमिटेड है इसीलिए आजकल हम पेट्रोल ना यूज करके सी को यूज करते हैं क्योंकि ये एक तो क्लीन है और दूसरा ये इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज इंक्रीजिंगली यूज टू रन व्हीकल्स नाउ अ डेज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ग्लास प्लास्टिक एक्सेट्रा इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन सो चिल्ड्रन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हम यह, यहाँ पर ओशन 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मिलियंस अगो था उसके बाद क्या हुआ कि प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स हो गए देन उसके ऊपर सॉल्ट सैंड गिरी सिल्ट गिरा एंड फिर क्या होता है प्रेशर लगा जिसकी वजह से यहां पे ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स बन गए सो फॉसिल फ्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स सॉलिड फ्यूल्स में आ जाएगा कोल कोल के अंदर आएगा कोक कोल टार एंड कोल गैस लिक्विड फ्यूल्स में आएगा पेट्रोलियम जिससे आप डिराइव कर सकते हो पेट्रोल डीजल केरोसिन गैशियस फ्यूल में आएंगे नेचुरल गैस जैसे कि सी एन जी नाउ चिल्ड्रन पेट्रोकेमिकल्स द सब्सटेंस ऑप्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एंड द प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम दीज सबेंसेज एज बेस मटीरियल आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स तो जो जो सब्सटेंसेज हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिले हैं और उनका जब हम यूजफुल सब्सटेंसेज बनाने के लिए यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स

तो जब हम कार्बन को बर्न करते हैं सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में तो इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकिन जब हम कार्बन का ही कंबस्टन करते हैं इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ एयर में तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉसल फ्यूल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एनवाट टूडे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीज गैसेज सच एज़ सल्फर डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड इन टू एटमोसफेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड द पोल्यूशन ऑफ एयर वॉटर सॉइल तो क्या हो रहा है कि जब हम इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये जो गैसेज हैं लाइक सल्फर डाईऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इनका लेवल जो है एटमोसफेयर में इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमोस रेडिएशन लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या हो रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ये सोलर रेडिएशन को अर्थ के एटमोसफेयर में तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती तो इसकी वजह से क्या हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जा रहा है जिसकी वजह से पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट डाउन कर रहे हैं द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज अ राइज इन अर्थ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग इट कैन लीड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स कॉजिंग ओशन लेवल्स टू राइज एंड सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज कंजर्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स चिल्ड्रेन आपको पता है कि फॉसल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स अगर ये एक बारी ख़त्म हो जाते हैं तो इनको दोबारा से बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स इट विल टेक प्लेस तो इसीलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है दूसरी बात कि जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि पल्यूशन को कॉज करती हैं इसीलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम फॉसल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो बिल्कुल लिमिट में करें वी मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स रिमेंबर टू स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज वेन नॉट इन यूज अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन वी मस्ट फॉलो द गि टेप्स टू सेव पेट्रोल एंड डीजल तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें मॉडरेट स्पीड पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए कभी भी तेज स्पीड से नहीं लेके जाना चाहिए बिकॉज इट रिजल्ट्स इन मोर कंबस्टन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल दूसरी चीज मेंटेन द करेक्ट प्रेशर इन द टायर्स टायर्स में प्रेशर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और अपने व्हीकल को हमें टाइमली चेक कराना चाहिए देन स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट children have a look on the wonder box savante arhenius in 1896 first predicted that changes in atmospheric carbon dioxide levels could sustainably alter the surface temperature through the greenhouse effect have a look on keywords and explanation carbonization the slow process of converting of dead vegetations into coal Destructive distillation the process of heating a complex substance in limited supply of air so that it breaks down into simpler substances fossil fuels fuels formed by natural bacterial decomposition of buried dead plants and animals under extreme temperature and pressure fractional distillation the process of separation of mixture into its constituents based on their boiling points global warming. the slow increase in earth's temperature due to rising percentage of certain gases in the atmosphere. greenhouse effect. the trapping of sun's heat in the atmosphere due to presence of gases such as carbon dioxide. hydrocarbons. a compound which are made up of hydrogen, carbon and oxygen. natural resource. naturally occurring materials such as land, forests, minerals, water and solar energy petrochemicals chemicals derived from petroleum or natural gas now have a look on the exercise children first question is tick the correct option the first question say which of the following is exhaustible natural resource so it is forest our forest which type of coal contains highest amount of carbon you all know the answer it is anthracite

petroleum the process of separating different component of petroleum by fractional distillation is called refining आप यहां पे refining लिखेंगे डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स तो यहां पे आप लिखेंगे कोल एंड पेट्रोलियम डैश इज अ गैशियस फ्यूल यूज इन व्हीकल्स दीज डेज तो यहां हम लिखेंगे सी एन जी नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कौन सी गैस होती है इसमें इसमें होती है मीथेन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉसल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी फॉल्स Sunlight is an inexhaustible natural resource. This is true. Coke consists mainly of nitrogen. False. CNG is more polluting than petrol. Again, this is false. Petroleum is also called black gold. Yes, it is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.